नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad Pro 11 2021 Wi-Fi Plus Cellular versus Samsung Galaxy Tab S7 Plus का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad Pro 11 में 9.75 इंच जबकि Tab S7 Plus में 11.22 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPad Pro 11 में 7.03 इंच जबकि Tab S7 Plus में 7.28 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPad Pro 11 में 0.23 इंच जबकि Tab S7 Plus में 0.22 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Pro 11 में 470 ग्राम जबकि Tab S7 Plus में 575 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPad Pro 11 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPad Pro 11 में IPS LCD जबकि Tab S7 Plus में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Pro 11 में 11.0 इंचेस जबकि Tab S7 Plus में 12.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Pro 11 में 1668x2388 और Tab S7 Plus में 1752x2800 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Pro 11 में 82.98% जबकि Tab S7 Plus में 84.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Pro 11 में 265 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Tab S7 Plus में 266 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad Pro 11 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और Tab S7 Plus की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Pro 11 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Tab S7 Plus की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPad Pro 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Tab S7 Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Pro 11 में Apple GPU 8 Core Graphics जबकि Tab S7 Plus में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Pro 11 में Apple और Tab S7 Plus में Qualcomm Snapdragon 865 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो iPad Pro 11 में 8GB जबकि Tab S7 Plus में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों टैब में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPad Pro 11 में नहीं है जबकि Tab S7 Plus में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPad Pro 11 में iPadOS V14 जबकि Tab S7 Plus में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी iPad Pro 11 में 7538 mAh जबकि Tab S7 Plus में 10090 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Pro 11 में 2 कलर्स जबकि Tab S7 Plus में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Pro 11800 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Tab S7 Plus की तो वो 71515 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Apple iPad Pro 11 2021 Wi-Fi Plus Cellular में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy Tab S7 Plus की तो उसमें 2 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में टैब S7 प्लस आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें लेनोवो टैब P11 प्रो है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE वाईफाई है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 एल्ट है, और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस एल्ट है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।